बच्चों यहाँ पर हम जो है आर एस नोमन के लेक्चर की बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो इससे पहले वीडियो थी मैंने वहाँ पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, तो यहाँ पर नामकरण की बात हो रही है। तो हमने यहाँ पहले की थी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की कि डी एल होगा या थ्री ओ रिट थ्री ओ, तो उस वीडियो में वहाँ पर बात की थी। क्योंकि हमारे पास जब कारल कंपाउंड हमें पता चल गया कि कारल कंपाउंड जो हैं बच्चों दो खाली सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों पे केवल डिफरेंस किसका है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का, कि कौन सा आगे बैठा है और कौन सा पीछे, बाकी इन दोनों कंपाउंड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें बात आई थी नाम देने की कि किस तरह से इन्हें पुकारा जाएगा, बोला जाएगा किस तरह से हैं, जैसे बच्चा होता है। तो कोई हमारे पास पहले नोमन क्लेचर करने का कोई तरीका नहीं था। जो पत्रा पंडित लेता है और उसका नामकरण करता है तो वो किस तरह से पत्रे में देखता है, तो हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि ये नई चीज़ थी। तो पहले हमने रिलेटिवली हमने बात की थी। अब बात इसके बाद लोगों ने इजाद कर लिया तरीका किस चीज़ का, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का, कि किस तरह से हम इनकी एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट इनका नाम रख सकें। तो हम आज उसी की बात करने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट ही, किसी पे डिपेंड ना हो कि उसके जैसा लग रहा है कि ग्लिसरल्डिहाइड जैसा लग रहा है तो ग्लिसरल्डिहाइड के हिसाब से डी और एल, इस तरह से नहीं, अपने आप में इसका अलग से नाम दे सके। तो उसके कुछ तरीके निकाले हैं ना, जैसे कि पंडित का पत्रा होता है, तो ये भी पत्रे वाला ही हिसाब यहाँ पर है। तो बच्चों आर एस नोमन के लेक्चर को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी से कंपेरिजन तुलना करते हुए इसका नाम हम यहाँ पर नहीं देते। या फिर बच्चों इसको क्या देते, नाम देते कैन इन गोल्ड प्रीलोंग नोमन के लेचर भी ये कहलाती है। तो बच्चों इसमें नामकरण देने में क्या पत्रे का जो ये हिसाब है नाम देने का, तो ये क्या हिसाब है, तो इसमें मेन दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक तो बच्चों दी जाती है असाइंड ए सिक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी। पहला काम क्या है बच्चों, जो कायरल कार्बन है इसको नोमन के लेचर करेंगे, आर या एस कंपाउंड की नहीं, किसकी, कायरल कार्बन की करेंगे, है ना। क्या करेंगे, आर्ध है ये या फिर एस है, इस तरह से, क्योंकि ये दोनों बाकी चीज़ों में एकदम सेम है, केवल स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो आर बोलेंगे या फिर इसको एस बोलेंगे, है ना, वो देखेंगे किस तरह। तो ये जो कार्बन है इसके नोमेनक्लेचर कि इसको आर दे रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं, तो जो पत्रे का हिसाब है यहाँ पर उसमें दो बातें हैं, केवल दो चीज़ें हैं, कि इस कार्बन से जो लगे हुए एटम्स हैं उनको प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी मतलब 1 2 3 किसको प्रायोरिटी पहले दें, एक तो काम ये। फिर इसमें हम बनाते हैं इस तरह के एरो प्रायोरिटी देते हुए, जैसे प्रायोरिटी दी 1, इसको 1 2 3 4 इस तरह से प्रायोरिटी सपोज हमने दे दी, तो फिर वो किधर, 1 से किधर को सिक्वेंस चला है, तो फिर ये लाइन ड्रॉ करते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो बच्चों यहाँ पर एक तो हो गया प्रायोरिटी देना, पहला रूल क्या है प्रायोरिटी देना। दूसरा क्या, मॉलिक्यूल को किस तरह से देखें, उसको भी कि रोड क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर दूसरा रूल है कि मॉलिक्यूल को कहाँ से देखेंगे बच्चों, जो प्रायोरिटी देंगे जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसके अपोजिट जा करके, उसके अपोजिट जा करके। सपोज बच्चों ये कोई मॉलिक्यूल है तो इस पर प्रायोरिटी हमने दी, यहाँ पर मतलब प्रायोरिटी का मतलब नंबरिंग करना है, उसको देखेंगे क्या रूल है और करेंगे, आगे समझ में आएगी। दूसरा, एक तो प्रायोरिटी देना हो गया नियम, इस कार्बन को अगर आरएस करना है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, सेकेंड थिंग क्या है कि मॉलिक्यूल को व्यू किस तरह से करें, व्यू करना है जिसको लीस्ट प्रायोरिटी मिली है उसके अपोजिट जा करके देखना है, ये एक रूल है, इसको फॉलो करना है। क्या सेकेंड रूल क्या है, मॉलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम अपोजिट ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। सपोज ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो मुझे इस तरह से देखना है, इसके अपोजिट जा कर देखना है, दूसरी साइड खड़े होकर के देखना है, फिर उसमें लाइन ड्रा करनी है कि किधर को प्रायोरिटी चल रही है, ठीक है। तो बच्चों अगर प्रायोरिटी देने के बाद मॉलिक्यूल को किस तरह से देखना, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट जा करके देखना है, और अगर बच्चों फिर लाइन ड्रा करनी है 1 2 3 अगर वो आती है क्लॉकवाइज तो हम कह देंगे कि उसका नाम क्या है बच्चों, आर है, और कैसी लाइन आती है एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करती है तो उसका नाम दे देंगे हम एस। केवल पत्रे का इतना ही काम है इसमें, केवल यहाँ ये जो पत्रा देखते हैं हम आर एस नोमेनक्लेचर करने के लिए, पत्रा किसको बोला हूँ, जैसे पंडित देखता पत्रा नाम देने के लिए बच्चों का। तो यहाँ जब हम पत्रा देखते हैं कि इसको आर दें या एस दें, तो उसमें केवल दो रूल आते हैं, पहला आता है प्रायोरिटी देना, दूसरा रूल क्या आता है बच्चों कि मॉलिक्यूल को उधर से जा करके देखो, लिस्ट प्रायोरिटी के अपोजिट जा करके हमें देखना होता है। ये दोनों चीज़ें याद, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी प्रायोरिटी देने का एक लंबी लिस्ट है, उसको बेसिक अभी बता रहा हूँ, फिर आगे थोड़ा सा हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी लेंगे। तो बच्चों हमारा जो सीक्वेंस रूल है उसमें हमने कहा है कि हायर एटॉमिक नंबर होगा तो उसको पहली प्रायोरिटी देंगे, लोअर प्रायोरिटी देंगे, हायर एटॉमिक नंबर होगा तो उसको लोअर प्रायोरिटी देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, ये कार्बन है बच्चों,
इसके अटैच जो एटम है उनको प्रायोरिटी देनी होती है। तो हमने कहा हायर एटॉमिक नंबर है तो उसको लोअर प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आयोडीन है, इसका एटॉमिक नंबर इन सबसे ज़्यादा है तो इसको वन दे देंगे, इस तरह से वन लिख देंगे। इसको क्या कहना है बच्चों, क्योंकि बी आर फिर सेकेंड नंबर पर बी आर आता है, इसका एटॉमिक नंबर और कम हो गया, इसको थर्ड प्रायोरिटी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी। तो ये मेन रूल है। तो मेन रूल क्या है कि लिस्ट प्रायोरिटी, मतलब जो प्रायोरिटी दी जाएगी, कम नंबर जो दिया जाएगा उसको दिया जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाई है। सिंपल बात है, आप जानते हो जैसे कि यहाँ सल्फर का ज़्यादा है, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, नाइट्रोजन से, तो इधर को प्रायोरिटी दी गई, इसको लोअर नंबर मिलेंगे, इधर वालों को हाई नंबर मिलेगा। या फिर बच्चों इस तरह से टाइटेनियम, ड्यूटेरियम, इस तरह से आइसोटोप होंगे तो उन्हें क्या देखा गया, एटॉमिक मास नंबर, जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसको पहली प्रायोरिटी। यहाँ पे मेन आप दो चीज़ें ध्यान रखो प्रायोरिटी देने में, प्रायोरिटी किसको देना है, जिसका हायर एटॉमिक नंबर है, या जिसका अगर आइसोटोप हो गया, सेम एटॉमिक नंबर रखे हुए हो गया, तो जिसका हायर एटॉमिक मास है। ये एग्जांपल में आएगा, समझ में जाएगी। तो प्रायोरिटी देना एक, फिर सेकेंड है कि किस तरह से देखेंगे मॉलिक्यूल को, अपोजिट फ्रॉम द लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अपोजिट जा करके। तो देखते हैं बच्चों इस मॉलिक्यूल को, देखते हैं। तो पहला काम तो हमने कर दिया, प्रायोरिटी दे दी। फोर्थ कहाँ है, बैक साइड में है ना, फ्लाइंग वेज फार्मूला बना हुआ है ये, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये ऑलरेडी बच्चों ये बैक साइड है और मैं बोर्ड के आगे खड़ा हूँ, आप लोग बोर्ड के आगे से देख रहे हो, तो ये पीछे ऑलरेडी हम इस मॉलिक्यूल को किधर से व्यू कर रहे हैं, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अपोजिट जा करके व्यू कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, लाइन ड्रा कर देंगे, वन किस तरह से लाइन घूमेगी, वन से सेकेंड की तरफ को, वन टू और थ्री, वन फिर सेकेंड में गए और फिर थर्ड पे आए। तो इसका क्या होगा, अगर ये बच्चों किस तरह से आ रही लाइन ये आ रही एस आ रही है, तो इसका नाम हो गया बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। फिर लाइन ड्रा करते हैं, तो तीन चीज़ें हो गई, प्रायोरिटी देना, फिर लाइन ड्रा करते हैं, और मॉलिक्यूल को किधर से देख रहे होते हैं, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट जा करके, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट जा करके, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, सेकेंड क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल को देखना किधर से है, उसको जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसके अपोजिट जा करके देखना होगा। और फिर हम ये इस तरह से लाइन ड्रा करते हैं, अगर ये रोटेट हो रही होती है क्लॉकवाइज तो देते हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही होती है तो नाम देते हैं आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज दे रही हो रही घूम रही होती है तो नाम देते हैं बच्चों एस। चलो अगला कंपाउंड हम यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों जैसे दूसरा कंपाउंड यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये भी जो है हमारा किस तरह से लिखा हुआ है बच्चों, एच यहाँ पर भी मैंने अपोजिट साइड लिखा है। तो पहला काम क्या करते हैं, प्रायोरिटी, हायर एटॉमिक नंबर क्या आएगा, हायर प्रायोरिटी आएगी, तो जो आयोडीन है इसको प्रायोरिटी देंगे पहली, फिर आएगा बच्चों सेकेंड बी आर आएगा, थर्ड क्या आएगा बच्चों क्लोरीन आएगा, फोर्थ जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी प्लेन के पीछे है, तो इसको प्रायोरिटी किधर से आएगी बच्चों, ये देखो वन से किस तरह से लाइन घुमाएंगे हम, वन गया फिर टू गया और फिर थ्री गया, तो ये जो घूम रहा है तो बच्चों आर घूम रहा है, है ना, इन दोनों की अपोजिट भी आनी चाहिए, ये एस आया तो क्या है दूसरा, इसका ये इनेंसियोमर है, आर आई कन्फिग्रेशन इसकी, तो इसका नाम जो, तो ये एकदम सकल सूरत एक जैसे इनेंसियोमर थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठा था कि इनका नाम किस तरह दें, तो जो पत्र आया पत्री में ये हमारे दो फार्मूले हैं, एक तो असाइन ए प्रायोरिटी और उसके बाद क्या करते हैं मॉलिक्यूल को व्यू करते हैं लिस्ट प्रायोरिटी के अपोजिट जा करके, ठीक है। प्रायोरिटी किस तरह से देते हैं, हायर एटॉमिक नंबर होता है तो उसको हायर प्रायोरिटी दी जाती है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो, है ना, अगर आइसोटोप दिए हुए हैं तो एटॉमिक मास देखते हैं, एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। कुछ रूल्स हम इसको क्वेश्चंस करते हुए कर लेंगे। फिलहाल बच्चों इस कंपाउंड का देखते हैं। तो पहला नंबर ये कि आप किस फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा है फिशर फॉर्म में, तो फिशर फॉर्म में फिर हमें फिशर का पता होना चाहिए किस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी देने में तो कोई दिक्कत नहीं, ये कार्बन कायरल है तो इसके चारों तरफ जो ग्रुप लगे हैं उनको प्रायोरिटी देनी है। पहला काम यही है, प्रायोरिटी हम देते हैं हायर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो बच्चों ये कार्बन हो गया, ये फर्स्ट हो गया क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखे हुए हैं, फिर आया कार्बन है तो ये भी कार्बन है, तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट ऑक्सीजन लगाया तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, CH3 से जब हम कंपेरिजन कर रहे थे उसके फर्दर हाइड्रोजन लगे थे, यहाँ पर तो ये दोनों टाई कर गए थे, है ना, कार्बन यहाँ पर, लेकिन नेक्स्ट क्या है इसका हाइड्रोजन है, इसका क्या आ गया ऑक्सीजन, तो ये विन कर जाता है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी, सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी बच्चों इसको, जो पत्रे का हिसाब है उसमें पहला काम था प्रायोरिटी देना तो दे दिया। सेकेंड भी ध्यान रखना है, किधर से जाके देखना है, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट जा करके,
तो बच्चों लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो यहाँ पर आ गया है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इस पर आ गया। तो हमने ये चीज़ पढ़ा कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में कि जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप्स रहते हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन में हमने किस तरह से रखा था, देखो इस मॉलिक्यूल को, फिशर प्रोजेक्शन में कहा था कि मॉलिक्यूल को इस तरह से व्यू किया जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टूवर्ड्स द व्यूअर होते हैं ग्रुप, और ये जो लाइन होती है ये वाले जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन पे अवे फ्रॉम द होते हैं। तो आप देख रहे हैं उधर से, मैं भी बोर्ड की तरफ से, तो ये वाला ग्रुप चाहे तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, तो हो ऑब्जर्व करके देखने वाले के बैक साइड में ही है, तो हम इधर से इसको देख ही रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम द व्यूअर हो गया, ये आइटम जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला आ रहा था तो है ना अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर बच्चों ध्यान क्या रखना है, अगर वर्टिकल लाइन पर चाहे तो यहाँ चाहे ऊपर वर्टिकल लाइन पर अगर ग्रुप है तो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, जस्ट आपको प्रायोरिटी देनी है और फिर आपको 1 2 3 इस तरह से लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आया, क्योंकि ये किस तरह से घूम रहा है बच्चों, इस तरह से जैसे घड़ी की सुई घूमती है, क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो ये जो कार्बन है कायरल, इसका नाम क्या दिया जाएगा, आर दिया जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों इसका नाम देते हैं हम, हायर एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 1, ये ऑक्सीजन ही है, सेकेंड हाइड्रोजन है, ये इसका आइसोटोप हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, तो बच्चों कार्बन इन दोनों से ज़्यादा, तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है, तो इसका प्रायोरिटी 2 आएगी। अब ये सेकेंड रूल आ गया जो मैंने लिखा था। अब इनके एटॉमिक मास क्या है बच्चों, सेम है, एटॉमिक मास सेम है, तो किसको दें, मतलब एटॉमिक नंबर तो दोनों के सेम है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, तो इसको क्या मिलेगी बच्चों, प्रायोरिटी मिलेगी 3, फोर्थ प्रायोरिटी, ये तो प्रायोरिटी का हो गया। सेकेंड क्या देखना है, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अभी फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, कहाँ पर है, वर्टिकल लाइन पर है, कोई दिक्कत नहीं है वर्टिकल लाइन पर, तो क्योंकि ये अभी फ्रॉम द व्यूअर हो गया, ये बोर्ड के पीछे ऑलरेडी हो गया, ये चीज़ तो याद रखनी है कि जो वर्टिकल लाइन पर रहता है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, दूर होता है जिधर से हम देख रहे होते हैं, तो जो आएगी लाइन वो वही कर लो, 1 2 3, ये सिक्वेंस आया, ये सिक्वेंस आया, तो बच्चों क्या है, ये बच्चों क्लॉक वाइज आया, क्लॉक वाइज आया, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का, आर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल बच्चों और लेते हैं इसमें और उसका नाम देखते हैं। अगर बच्चों थोड़ा सा आपको फिशर प्रोजेक्शन के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर फिशर प्रोजेक्शन पे हम नाम दे रहे हैं, चलो कुछ कंडीशंस बनाते हैं जिसमें हम लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखें, तब क्या कैसे उसका नाम देंगे, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया है कि 2 हैं, तो इसको हटा देता हूँ मैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो बच्चों कुछ एडवांस एग्जांपल के लिए मैं जो है बाद में इसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि प्रायोरिटी देना कुछ कंपाउंड्स में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है ना, तो उसकी एक एडवांस कभी मैं मन करेगा मेरा तब उसकी बनाता हूँ। फिलहाल ये बेसिक बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से ये काफ़ी सही हो जाएगा आपका इसी से। तो बच्चों हम यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहे हैं, मान लीजिए एक कंपाउंड लिखा मैंने, एच जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है यहाँ पर लिख दिया, सी एल बी आर और यहाँ पर मैंने आई लिख दिया। तो बच्चों प्रायोरिटी पहला काम क्या होता है, पत्रे का जो हिसाब है हमारा सीआईपी के है ना, जो नोमन क्लेचर के रूल हैं उसमें पहला काम क्या, प्रायोरिटी दो। तो प्रायोरिटी किसके हिसाब से दो, एटॉमिक नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर सेकेंड है कि इसको इस तरह से देखना है अवे फ्रॉम द व्यूअर, लेकिन जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर जो ग्रुप्स होते हैं ये तो टूवर्ड्स द व्यूअर होते हैं। फिशर प्रोजेक्शन का देखो अगर नहीं ये चीज़ समझ में आ रही, क्योंकि मॉलिक्यूल को तो इस तरह रखा जाता है बच्चों, इस तरह रखा जाता है, ये वाले ग्रुप तो अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं, ये होते हैं टूवर्ड्स द ग्रुप, और जो रूल है, रूल क्या है यहाँ पर कि देखने का ढंग हमने फिक्स किया है कि मॉलिक्यूल को अवे फ्रॉम द व्यूअर देखना है, ये रूल का पार्ट है, तो आपको अवे फ्रॉम द व्यूअर देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो इधर से आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया, हम भी इधर से देख रहे हैं, लेकिन देखना कहाँ से है, फिर अपोजिट देखना है। तो उसके बच्चे दो तरीके हैं, या तो जो इधर से आए आर एस उसका उल्टा कर दो, बैक साइड से उल्टा दिखाई देता हो, या फिर दूसरा क्या है, इसको यहाँ पर ले आओ, इसको यहाँ पर ले आओ, और हम जानते हैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कैसे ला सकते हैं, 2 चेंजेस करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, 2 चेंजेस करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, तो 2 को ही चेंज कर लो। 2 चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, जस्ट मॉलिक्यूल को घुमा रहे हो, 180 घुमा रहे हो, 2 चेंज का मतलब क्या होता है, 180 हम उस मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं होगी जब तक ये बॉन्ड तोड़ करके हम दूसरी जगह ना लिखाएं, तो 2 चेंजेस पर कॉन्फ़िगरेशन आर का एस या एस का आर नहीं बनता। तो बच्चों इसको सुविधा रहे तो मैं क्या ला रहा हूँ, वर्टिकल लाइन पे ला रहा हूँ,
कौन सी लाइन पे ला रहा हूँ, वर्टिकल लाइन पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको एक इसके साथ इंटरचेंज करो, इसको इसके साथ इंटरचेंज करो, एक चेंज क्या करो, इसको इसके साथ लेके जाओ और इसको इसके साथ, दो चेंजेस करेंगे तो सेम ही चीज़ आएगी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती टू इंटरचेंज पर, है ना। तो इसको चाहो तो लिख लो, नो कॉन्फ़िगरेशन चेंज ऑन चेंजिंग ऑन टू इंटरचेंज, ऑन टू इंटरचेंज, टू इंटरचेंज चेंज का मतलब क्या है बच्चों, ये यहां पर लेकर गए और इसको कहां ले गए, यहां पर लेकर आ गए, इसको कहां ले गए, यहां ले गए, और इसको कहां ले आए, यहां ले आए। तो बच्चों यहां पर दो इंटरचेंज किए मैंने, जहां यहां बैठा था ये, इसकी जगह एच ले गया और इसकी जगह क्या ले आया बच्चों, आई ले आया हमें, बी आर को यहाँ ले गया और सी एल को यहाँ पर। अब जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहाँ पर आ गया, प्रायोरिटी क्या दी थी, आईडीन को वन आएगी, इसको सेकेंड आएगी, इसको थर्ड आएगी। तो बच्चों इसको अब रोटेट करो, वन टू थ्री, इस तरह रोटेट किया तो ये जा रहा है बच्चों क्लॉक वाइज, तो कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी, एस होगी, क्लॉक वाइज जा रहा है तो बच्चों कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर होगी। या फिर दूसरा तरीका था बच्चों, यहीं पर हम वन टू थ्री कर दें, मतलब इसको इस तरह से रोटेट करें, क्योंकि ये यहाँ पर बैठा था तो जा रहा है बच्चों एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो इसकी कन्फिग्रेशन कितनी होनी चाहिए, एस। लेकिन ये हम इधर से देख रहे हैं जिधर एच बैठा है, तो उसको उल्टा कर दो, इस तरह घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज, तो कन्फिग्रेशन आ रही है एस, तो उसका उल्टा कर दो, तो हो जाएगी बच्चों कन्फिग्रेशन आर, ठीक है। तो जो फिर से केवल दो रूल, एक तो प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी किस तरह से देंगे, हायर एटोमिक नंबर को हम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, मतलब उसको लोअर नंबर देते हैं जिसका एटोमिक नंबर ज़्यादा होता है। दूसरा क्या काम, दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अपोजिट जा करके हम देखते हैं। कुछ और चीज़ें बच्चों यहाँ पर देखते हैं, है ना, फिशर प्रोजेक्शन में। सपोज बच्चों यहाँ पर सी एच है और यहाँ सी एच थ्री मैंने लगा दिया, यहाँ पर सी एच थ्री लगा दिया, और यहाँ बच्चों सी डबल बॉन्ड सी एच टू लगा दिया, और एच, है ना, और यहाँ पर सी एच थ्री। तो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी किसको दें बच्चों, ये कार्बन है तो ये भी कार्बन आ गया, तो ये जो डबल बॉन्ड है फिर ये कार्बन है, फिर इससे दो कार्बन है। तो यहाँ जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको किस तरह से रीड किया जाता है। तो बच्चों जो डबल बॉन्ड है इसको अलग से देखते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये डबल बॉन्ड, तो इसको क्योंकि वहाँ पर तो टाई कर रहे हैं पहले कार्बन पर तो तीनों, तो हमें नेक्स्ट कार्बन से देखना होता है, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ दो दो कार्बन है, तो डबल बॉन्ड को किस तरह देखना होता है, देखो ये तो H, फिर ये बॉन्ड लगाया बच्चों मैंने, ये क्या लगा दिया सी एच टू, ये एच और ये एच। फर्दर क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था तो इसको डुप्लीकेट करना होता है, इससे ये फर्दर कार्बन लगाना होता है, और फर्दर इसको बच्चों इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कि ये कार्बन फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है नहीं, तो ये कार्बन किसने दो कार्बन से कनेक्टेड मानते हैं, ये वाला कार्बन भी हम क्या मानते हैं टू कार्बन से फर्दर कनेक्टेड मानते हैं, ठीक है, कि ये वाला इससे फर्दर कनेक्टेड है, ये और इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से इसको खोल लेते हैं, अब इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। देखो अब इसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसको प्रायोरिटी मिले, ये जो कार्बन है इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये किसके कनेक्टेड है बच्चों एच, ये वाला कार्बन सी और फर्दर ये कार्बन सी। इसको देखोगे पहला जो कार्बन है इसके हिसाब से ये सी और ये सी और एक एच, तो पहले कार्बन पर फिर से टाई कर गया ये क्या एच सी और सी, क्योंकि हम इस डबल बॉन्ड को किस तरह से मानना है, ये एक कार्बन से इस कार्बन से, ठीक है, दो कार्बन से, तो अब यहाँ तो टाई कर गया, ये भी चीज़ सेम है, ये भी चीज़ सेम है। फिर क्या करते हैं अगले कार्बन चाहते हैं, तो हम कौन से कार्बन पे गए, इस कार्बन पे गए, इसमें से कोई सा कार्बन चूज करें हम एक, तो इसका जो एक कार्बन गया तो फर्दर कार्बन से अटैच मान रहे हैं, ये देखिए ये फर्दर कार्बन से हम इसको अटैच मान रहे हैं, लेकिन इसका कार्बन तो हाइड्रोजन से ही अटैच है, तो इसी इन दोनों में इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो पहली प्रायोरिटी बच्चों इसमें इसको मिल जाएगी, सेकेंड ये गया और थर्ड ये गया और फोर्थ ये गया, तो क्या हो गया वन टू थ्री हो गया, ये वन टू थ्री हो गया। तो बच्चों वन टू थ्री किधर को जा रहे हैं अब हम, है ना, ये जा रहे हैं क्लॉक वाइज, तो कन्फिग्रेशन क्या आ गया बच्चों इसका, आर कन्फिग्रेशन आ गया, ठीक है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हम कर सकते हैं, देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो बच्चों यहाँ पर प्रायोरिटी में कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो इसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इस तरह से ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे यहाँ पर ग्रुप आ गया कोई ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसको किस तरह प्रायोरिटी देनी है, और ट्रिपल बॉन्ड का हम कंपैरिजन किससे करें,
अगर बच्चों यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन कोई ऐसा जैसे CH3, CH3 और यहाँ पर CH3 है, तो फिर वही क्वेश्चन आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी कि इसको प्रायोरिटी मिलेगी। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर देखो इसको ट्रिपलेट करते हैं। ट्रिपलेट करने का मतलब क्या है, ये कार्बन, ये दोनों कार्बन तो बना दिए मैंने जैसा लिखा है, लेकिन इस कार्बन क्योंकि तीन बॉन्ड है तो इसको बच्चों फर्दर दो और कार्बन से आप अटैच करोगे, इस तरह उनको ब्रैकेट में बंद कर दोगे कि ये फर्दर किसी और कार्बन से फर्दर सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसे ये बच्चों एक कार्बन से तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ये वाला भी फर्दर दो कार्बन से सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे देखो यहाँ तीन बॉन्ड है ना, तो इसे मान रहे हैं कि ये इधर को तीन बॉन्ड से कार्बन से कनेक्टेड है और ये इधर को तीन कार्बन से, लेकिन ये जो डुप्लीकेट हम ट्रिपलेट कर रहे हैं ये वाला कार्बन इस कार्बन को कि कह रहे हैं, ये ब्रैकेट में बंद करने का मतलब हो गया कि ये फर्दर किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पर आए, पहले कार्बन पे यहाँ पर आए, तो ये जो कार्बन है ये वाले कार्बन, ये कार्बन, तो ये इस कार्बन तीन कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने CCC। तो इन दोनों में तो फिर से ये वाला कार्बन देखा हमने, जैसे ये देखा था तो ये भी तीन कार्बन से कनेक्टेड है, CC और C, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कार्बन पे जाएंगे, कोई सी भी एक चूज कर लो जो इसकी बेस्ट हो, जो इसका बेस्ट हो, तो इस कार्बन पे गए, इस कार्बन पे जाएंगे तो ये वाला जो कार्बन आए हम, ये फर्दर दो कार्बन से कनेक्टेड है एक हाइड्रोजन से, तो ये कार्बन को तो हम क्या मान रहे हैं कि ये CC और H से कनेक्टेड है, तो बच्चों ये जीत जाएगा क्योंकि ये तो 3H से कनेक्टेड है, 3H से, भले ये 3CH3 थे लेकिन इसका एक ही ब्रांच चूज करेंगे और उसका कंपेरिजन करेंगे, एक साइड को मूव करेंगे फिर हम, ठीक है, एक साइड को मूव करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको प्रायोरिटी मिलेगी और इसको सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से विन करेगा। बच्चों और कुछ एक दो रूल देख लेते हैं यहाँ पर। अगर बच्चों यहाँ पर मान लिया एल्डिहाइड है और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, कार्बन लगा दिया, जिससे मैंने क्या कर दिया, दो एच लगा दिए और एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये सिचुएशन है, मान लिया यहाँ एच है और यहाँ ड्यूटेरियम, तो पहली प्रायोरिटी बच्चों इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को तो ये क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, इसको भी सेम डबल बॉन्ड की तरह से देखेंगे, ये एच है तो इसको किस तरह से देखेंगे बच्चों, ये ऑक्सीजन तो है और एक ऑक्सीजन इस तरह से मानेंगे, ये कार्बन फर्दर एक ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो इस कार्बन को हम किससे मानेंगे कि दो ऑक्सीजन से ये इस तरह अटैच है और ये ऑक्सीजन फर्दर कार्बन से अटैच है बैक साइड, तो इसको हम फर्दर कार्बन से अटैच मानेंगे, ठीक है, और एक एच यहाँ पर अटैच था। तो अब यहाँ पर जो है बच्चों, तो यहाँ पर अगर इन दोनों में कंपेरिजन करें, तो पहले कार्बन कार्बन से टाई कर गया, ये कार्बन किससे लगा था, कार्बन से लगा था लेकिन दो ऑक्सीजन से लगा, ये कार्बन किससे लगा है, एक हाइड्रोजन से लगा है, ये भी कार्बन किससे लगा था, एक हाइड्रोजन से लगा था और दो ऑक्सीजन से लगा था, एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन से, तो इसको किस तरह से मान रहे हैं हम, ये भी दो ऑक्सीजन से मानेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड से और एक हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर ये तो टाई कर गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों, हाइड्रोजन है ना, ये दोनों टाई किए, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीजन वो कार्बन से फर्दर अटैच है, इस ऑक्सीजन को क्या मानना है कि ये फर्दर कार्बन से अटैच है, लेकिन ये ऑक्सीजन इसकी एक ऑक्सीजन कोई से एक ब्रांच की तरफ वो हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसे इसमें एल्डिहाइड विन करेगा, इसको वन देंगे, इसको टू देंगे, इसको थ्री देंगे और इसको फोर, क्योंकि इसका एटोमिक मास ज़्यादा है हाइड्रोजन से, एटोमिक नंबर तो सेम था लेकिन मास ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, RS आएगा, फिर ये आ गया 1, 2, 3, तो किधर को घूम रहा है बच्चों, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका नाम आएगा R, इसका नाम आएगा R। तो बच्चों इस तरह से प्रायोरिटी देते हैं, और ये थी कायरल कार्बन की प्रायोरिटी देना है ना, कायरल कार्बन का RS नोमेनक्लेचर करना, और कभी बाद में इससे एडवांस जो डिफ़िकल्ट केसेस हैं उनको फिर से फर्दर हम देखेंगे, ठीक है बच्चों, फिलहाल इतना ज़रूर समझ, बेसिक इतना ज़रूर समझ में आना चाहिए। थैंक यू।